नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज अम्ल वर्षा के बारे में बताएंगे। बच्चे, यह एक प्रकार का प्रदूषण है और अम्ल वर्षा कैसे बनता है, इसका पृथ्वी पर जीवों के लिए कितना हानिकारक होता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि ईंधन पदार्थ है ना, जब हम ईंधन पदार्थ को जलाते हैं, वह ईंधन पदार्थ लकड़ी, उपला यानी गाँव में उसको हम जानवरों का गोईठा कहते हैं, पेट्रोल, डीजल है ना, कोयला, ये जब हम जलाते हैं तो इसमें से दो तरह की गैसें निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये उसके धुएं के रूप में उस ईंधन के जलने से उत्पन्न होती हैं और यह गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में चली जाती हैं। जाने के बाद हम जानते हैं कि जो जल होता है वो वर्षा का जल हो, ठीक ना, या शुद्ध जल हो, उसका पीएच मान जो है 7 होता है, यानी वह उदासीन होता है। ठीक है बच्चे, ये उदासीन होता है और जब यह वर्षा का जल वायुमंडल से होकर के पृथ्वी पर आता है तो वायु में घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और जल के साथ संयोग करता है और बनता है H2SO4, यानी क्या बन गया बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया। अगर यही हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर है, यह भी ऑक्सीजन के साथ, यानी एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है और वर्षा की जल जो है बादलों से आता है, और यह जब बनता है तो यह जब आता है तो जल के साथ संयोग करके क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से जो है यह अम्ल वर्षा बनता है, यानी जितने भी प्रकार के ईंधन हैं इसको जब हम जलाते हैं तो उनके जलने में निकलती तो बहुत सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती हैं, अदर गैसें भी निकलती हैं, लेकिन अम्ल वर्षा के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती हैं वह होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह धुएं के रूप में निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में उड़ने लगती हैं, हवा में तैरने लगती हैं, और जब बादल लगती हैं, बारिश होती हैं, तो वह जल की बूंदें जो हैं उन हवा गैसों से गुजरते हुए पृथ्वी पर आती हैं। तो जब गुजरती हुई आती हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और जल और हवा में घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ यह क्रिया करके बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। अब जो है यह घुल करके, और जब घुल जाती हैं तो उस वर्षा का जल जिसका पीएच मान 7 उदासीन होता है, वह उसका पीएच मान जो है घट करके 5.6 यानी 5 से भी नीचे आ जाता है। और हम जानते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह पदार्थ अम्ल होते हैं, तो यह जल जो है अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने के बाद जब पृथ्वी पर आता है तब इसका नुकसान जो है, हानि जो है दिखाई देने लगता है। यानी अब यहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा से हानि, ठीक ना, अम्ल वर्षा से हानि क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। देखो बच्चे, जब ये आती हैं तो जितनी भी पत्थर की इमारतें बनी होती हैं, वो भवन हो या हमारा ताजमहल हो, जब उनके ऊपर जब पड़ता है तो उसके ऊपर काले और हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि जितनी पत्थर की वस्तुएं होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं, इनके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, सपोज डेट मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है
क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बना लेता है और जल वाष्प के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये निकल जाती है। लेकिन यही कैल्शियम सल्फेट, और सल्फेट हरे रंग का ही होता है, इसके धब्बे जो है उसके ऊपर दिखाई देने लगते हैं। इसका प्रमाण है मथुरा में के पास जो है एक तेल शोधक कारखाना बना हुआ है आयल का, और उससे बहुत करीब ही हमारा ताजमहल स्थित है। वहाँ से निकलने वाली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका प्रभाव हमारे ताजमहल पर भी पड़ता जा रहा है और वो उस पर हरे रंग के धब्बे पड़ते जा रहे हैं। ये तो पहला पत्थर की मूर्तियों पर या पत्थर की वस्तुओं पर जो बनी होती हैं उनके ऊपर अम्ल वर्षा का प्रभाव हुआ। दूसरा यह होता है बच्चे कि अगर इस पर ना पड़े, जल के साथ घुल करके आता है, नदी तालाब में जाता है, पानी अम्लीय होता है, तो उस नदी तालाब में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, ठीक ना, सूक्ष्म जीव, मछली, मेंढक अम्लीयता के कारण ये क्या होते हैं, उसमें मरने लगते हैं, ठीक ना। तीसरा अगर यह है कि अगर यह हमारे खेत खरिहान में फसलों पर पड़ता है तो उसकी पत्ती पर यह एक परत बना लेता है, ठीक ना, जैसे धान, गेहूं, आलू, सरसों पर देखें होंगे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक ना, तो अगर ये पड़ता है तो उसके ऊपर धाबा बना लेता है, जिससे कि उनको प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने से रोक देता है, ठीक ना। तो इस तरह से वह पौधों में अन्न का लगना या वह पौधा जो है सूखने लगता है, रोग ग्रसित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि हम जानते हैं कि भूमि के अंदर सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। यह एसिड जो है, अम्लीय वर्षा जो है, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है, जिससे भूमि बंजर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर उस अम्लीय वर्षा में कोई व्यक्ति अगर बारिश में भीग जाता है तो उसके त्वचा पर छोटी छोटे फोड़े, फुंसी, अल्सर, ठीक ना, उत्पन्न हो जाते हैं, यानी त्वचा का रोग भी उत्पन्न होने लगता है। तो यह प्रभाव जो होता है हमारा अम्ल वर्षा का है। थैंक यू बच्चे, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट जरूर डालें आप। थैंक यू।